क्लास यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स भी बेसिक शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से भी। ऑप्टिक्स क्या होता है लिखिएगा एक बार, ऑप्टिक्स क्या है अभी। लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ light and its behavior in different medium, light and its behavior in different medium। कर लोगे? देखो आपकी पूरी ऑप्टिक्स दो भागों में बटी हुई है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल लिखेंगे। एक पार्ट है इसका रे ऑप्टिक्स, एक पार्ट है इसका वेव ऑप्टिक्स भी। रे ऑप्टिक्स एंड ए वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इसके पार्टिकल नेचर को शो करता है पूरा भी, ओके। और वेव ऑप्टिक्स क्या शो करता है, इसके वेव नेचर को शो करता है। आपको पता है रेडिएशन हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर्स भी, यस और नो? तो एक पार्ट क्या शो करता है उसके पार्टिकल नेचर को, एक पार्ट क्या शो करता है उसके वेव नेचर को। 6 सब यूनिट है भाई, 4 इसकी हैं अकेले की भी रे ऑप्टिक्स की भी, और 2 किसकी हैं वेव ऑप्टिक्स की भी, 7 है वैसे तो। एक फोटोमेट्री भी है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, वो अलग बिहेवियर थोड़ा लाइट का दिखाते हैं कि कैसे कैसे लाइट एक और तरीके से बिहेव कर सकती है, वो आप में डाला गया इन्होंने। फोटोमेट्री भी एक पार्ट है लेकिन वो नहीं है हमारे सिलेबस में, तो 6 ही हैं, 7 वैसे तो बुक में दे रखी हैं, 7 में ना ही है। तो रे ऑप्टिक्स एंड ए वे ऑप्टिक्स कितना लिखना है आपको, कर लोगे? कई बार फिजिक्स में जो हम टॉपिक यूज करते हैं इसमें हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट भी, बहुत बार बोला जाता है ये वर्ड। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट, लाइट क्या होती है क्लास? आपको निकल ही पड़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी एक, यस और नो? इट इज EM वेव्स, कर लोगे? तो रे ऑफ लाइट क्या बोलते हैं अभी, लिखिए द स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। द स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। स्ट्रेट पाथ जो फॉलो करती है लाइट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रे ऑफ लाइट। ऐसे दिखाते हैं इसमें लाइट को भी इन टर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस और एरो के साइन के साथ भी। एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है लाइट की, ये रे ऑफ लाइट को दिखाने का तरीका है। कर लोगे? हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रे ऑफ लाइट में और बीम ऑफ लाइट में भी। नेक्स्ट लिखिए बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं भी, बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। बीम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रेज को क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। कर लोगे? लिख लीजिए कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। रे का कलेक्शन भी, कई बार दोनों को बोल लेते हैं रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट की मीनिंग दोनों का भी। लाइट किसमें चलेगी, इट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइंस भी। कर लोगे? अपने टॉर्च से लाइट को मारा, रात को देखा होगा ना, सिर्फ बीम निकलती है वहाँ से, दिखती है भी। कर लोगे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज भी। हो जाएगा, कर पाओगे? ये स्टार्टिंग कुछ है बेसिक चीज़ें हम यूज कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। अब एक टॉपिक करते हैं भाई, क्योंकि हमारी 6th A का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी, तो टॉपिक का नाम शुरू करते हैं इसी से, शुरू करते हैं टॉपिक हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी यूनिट का नाम है 6th A का भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं बोला कुछ टॉपिक 10th के हैं जो प्लस टू में भी इंक्लूड किए गए हैं, ये उनमें से एक है भाई, ये आपका टॉपिक है भाई प्लस टू का भी। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी, बाउंस बैंक क्या होता है, लिख लीजिए क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है
लिखिए, इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना इन विच, इट इज ए फिनोमिना इन विच लाइट कैन चेंज इट्स पाथ, लाइट कैन चेंज इट्स पाथ, लाइट कैन चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग द मीडियम, विदाउट चेंजिंग द मीडियम, लाइट कैन चेंज इट्स पाथ विदाउट चेंजिंग द मीडियम। लाइट अपना पाथ चेंज कर ले बिना मीडियम को चेंज हुए भी। मीडियम मतलब लाइट किसी भी उसमें, देखो भैया अपने पढ़ा हुआ ईएम वेव है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, लेकिन हो तो चल भी पाई कैसी बात नहीं है, नहीं चलेगी मीडियम में ही कर लोगे। अब देखिए ये कोई सरफेस है भी, और लाइट यहाँ से स्ट्राइक किया सरफेस के ऊपर भी, लाइट कैसे दिखाएंगे हम विद एरो साइंस पे, ठीक है। ये लाइट कहीं से आ रही होगी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट भी, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट बीम ले सकता हूँ इसको। इंसिडेंट बीम कहाँ से आती है, सोर्स से आती है भी, स्ट्राइक किया और चली गई भी ऐसे। ये लाइट एयर से आई भी, और कहाँ चलेगी वापस, एयर में चली गई, तो मीडियम क्या रहा है इसका, सेम रहा है, लेकिन पाथ क्या कर लिया इसने, चेंज कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं भी। इसको बोलते हैं इस बीम को रिफ्लेक्टेड बीम भी, रिफ्लेक्टेड बीम कर लोगे। रिफ्लेक्शंस क्या है, ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज करे बिना मीडियम को चेंज किए हुए भी, इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शंस। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे फिर बताते हैं, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस भी। कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर में सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है और सारे लाज फॉलो किए जाते हैं, लाज बताएंगे कुछ देर में, लाज आएंगे इसके भी कर लोगे। और डिफ्यूज में क्या होता है, सरफेस से इरेगुलर सरफेस होता है और लाज कभी फॉलो नहीं होते। ये इंसिडेंट बीम है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड बीम। देखिए अभी हमारे पास एक लाइट की बॉडी होती है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस बॉडी भी। ल्यूमिनियस बॉडी कौन सी होती है, जो अपने आप लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं, सन उनमें से एक है, बल्ब बांध सकते हैं, बल्ब ही क्या है, एक ल्यूमिनियस बॉडी है भी। हमारी आंखें क्या करती हैं, सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट को देख पाती हैं भाई, हमेशा ये हमारी आंखों की प्रॉपर्टीज है भी, हम लाइट को देख पाते हैं, सोर्स ऑफ लाइट को देख पाते हैं भी कर लोगे। अब क्या है कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ भाई, इसका रीज़न क्या है, आपकी आंखों के लिए लाइट मेरे से आ रही है, लाइट मेरे पास स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच गई भी, आपकी आंखों तक पहुंच गई। जो रिफ्लेक्शंस हुआ है ये रेगुलर है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। आपने मिरर से मारा होगा ना, चमका मारते हैं मिरर से भी, किया होगा और रेगुलर रिफ्लेक्शंस उसमें दिखाई देगा आपको भी। समझ में आया कि नहीं आया भी, कर लोगे। हम जो कर रहे हैं चारों तरफ लाइट जा रही है हर एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर भी मेरे से, तो मेरे को हर चारों तरफ के लोग देख पाएंगे भी, इट इज कॉल्ड ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। देखने का मेन रीजन क्या होता है हमारा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होता है, कर लोगे। आपकी आंखों के लिए मैं सोर्स ऑफ लाइट हूँ, एक्चुअली सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बल्ब है भाई, एंड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट भी हो जाएगा। ये हो जाएगा कि रात को हमको मून दिखता है अभी, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मून की खुद की लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड के ऊपर भी। क्या बोल रहा हूँ, आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, बार की लाइट आपको दिखाई दे जाएगी सारी ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपकी आंखों तक लाइट पहुँच रही है, कर लोगे। लेकिन आप लाइट के रूम में खड़े हुए और अंधेरे कमरे देखना चाहते हो, नहीं देख पाए, क्यों, उसमें लाइट है नहीं, रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता ऑब्जेक्ट के साथ भी, कर लोगे। रिफ्लेक्शन होगा तो आपको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा भी, कर पाओगे भाई। तो रिफ्लेक्शंस ये था भी सिंपल, व्हाट इज रिफ्लेक्शंस, साथ में लाज लिख लेते हैं इसके, लिख लीजिए इसी में लाज ऑफ रिफ्लेक्शन भी। डायग्राम दोबारा बनाओगे, ये इसमें कम से चला लोगे, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन भी। देखिए ये इंसिडेंट बीम है अभी क्लास, ये सरफेस पर स्ट्राइक किया, हमने बिल्कुल स्मूथ सरफेस यूज किया हुआ अभी, एज लाइक मिरर भी, तो ग्लास ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ये लाइट चली गई यहाँ पे, इट इज रिफ्लेक्टेड बीम्स, इट इज पॉइंट स्ट्राइकिंग पॉइंट बोलते हैं इसको भी, जहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए भी, इट इज कॉल्ड नॉर्मल भी।
क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। एक एंगल बन रहा है अभी क्लास, किसके बीच में? इंसिडेंट बीम के और नॉर्मल के बीच में। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम, एंगल ऑफ ए इंसिडेंट। और एक एंगल बन रहा है यहां पे भाई, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताने जो नहीं है कि किसके बीच में बनेगा? नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में। तो मैं एंगल आई लिख रहा हूं, ये एंगल आई क्या है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर क्या है भाई? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई? देख लीजिए, अगर आपका रिफ्लेक्शन रेगुलर है भाई ऑन द प्लेन सरफेस है भी, तो आई और आर की वैल्यू बराबर होगी। देखो ये कोई थियोरेटिकल सेक्शन नहीं है कि कुछ भी मान लिया गया, सर टोटली प्रूव्ड है भाई, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ें हैं सर। ये टेंथ में आपके प्रैक्टिकल भी आती है कि इसके ऊपर हम एंगल निकालते हैं विद मिरर के स्ट्राइक करके लाइट को, लेजर लाइट को। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट लिखिएगा द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, उसका वैल्यू आर के बराबर होगा भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी। सही है? yes, कर लोगे? सिंपल सा बेसिक सर ला है। सेकंड भी, सेकंड लिखिए इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट बीम कॉमा रिफ्लेक्टेड बीम एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये सरफेस है क्लास, लाइट ये सरफेस मान लीजिए, मेरा हाथ सरफेस है अभी, ठीक है, लाइट आ रही है, लाइट अभी स्ट्राइक करने वाला लाइट कहाँ जाएगी भी? इस तरफ क्यों नहीं जा सकती? इस तरफ क्यों नहीं जा सकती मेरी तरफ? क्या जाती नहीं है? मेरे लाइट स्ट्राइक करिए, पता नहीं कहाँ जा रही है, तो डिफ्यूज है ये सर ना। लाइट यहाँ पे गई, स्ट्राइक किया सरफेस के ऊपर, मजबूरी है इसकी लाइट इसी डायरेक्शन से जाएगी। अगर इसमें एक पेज डाल दूँ ना, तीनों एक पेज पे आ जाएंगे, तो लाइट इस पेज से बाहर नहीं जा सकती भी। समझ में आया? लाइट स्ट्राइक करके आपकी तरफ कभी नहीं जाएगी, यस और नो? लाइट स्ट्राइक करके कैसे जाएगी कि इन पे एक पेज डालूं तो तीनों एक पेज पे एग्जिस्ट कर जाएंगे भी, ये पेज से बाहर नहीं हो पाएंगे भी। कर लोगे? दे लाई इन द सेम प्लेन, यानी बोल सकता हूं कि जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही जा सकती है लाइट स्ट्राइक करके, ऐसे नहीं जाएगी आपकी तरफ, मेरी तरफ नहीं जाएगी। कहाँ पे होगा ये? रेगुलर में होगा, डिफ्यूज में ये कभी नहीं होता भी, ना डिफ्यूज में आई बराबर आर होता भी। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं भी, कुछ पॉइंट पे पूछ लेते हैं, इसको एंगल ऑफ ग्लेंस बोलते हैं भी, ठीक है, जो किसके बीच में बनता? लाइट और सरफेस के बीच में बनता भी। जरूरत नहीं लिखने की, एकदम एक दो बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि एंगल ऑफ ग्लेंस 60 डिग्री है भी, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट भी? ये 60 है तो 30 होगा, 30 ही मिलेगा आपको। कर लोगे? तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है भी ऑन द सरफेस भी, ऑन द मिरर भी, ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड बीम्स भी? लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है एट 90 डिग्री, तो 90 पे वापस जाएगी, यस और नो? व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट बीम? इट इज ऑफ 180 डिग्रीज। कितना डिफरेंस होगा? 180 डिग्री का भी, जीरो नहीं होगा भी, जीरो होता पैरेलल बीम्स के अंदर भी। अब देखो इमेज क्या होती है, इमेज व्हाट इज ए इमेज भी?
इट इज ए ऑप्टिकल इल्यूजन वे, बस इतना ही है। एक भ्रम है जिसको हम इमेज बोलते हैं, बनती कैसे इमेज वे? देखिए इमेज बनती है भाई रिफ्लेक्ट बीम के मिलने से या मिलती हुई दिखाई देने से भी, या रिफ्रैक्टेड बीम के मिलने से या मिलती हुई दिखाई देने से भी। लिखो व्हेन रिफ्लेक्टेड बीम सर्विस इसका लिखवाते हैं रिफ्लेक्टेड का भी, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हम लोग, दोनों में होता ही इमेज दोनों में बनती है। व्हेन लिखवाता क्या? व्हेन रिफ्लेक्टेड बीम्स आर मीट बीम्स भी, कम से कम दो होने चाहिए। रिफ्लेक्टेड बीम्स आर मीट और अपियर टू मीट भी, आर मीट और अपियर टू मीट देन इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कब बनती है? जब बीम्स रिफ्लेक्ट बीम्स जब रिफ्लेक्टेड हो भाई तब भी बनेंगे इमेजेस, वहां पे वर्ड यूज नहीं कर रहे उसके लिए हम लोग। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बीम मिले या मिलती हुई दिखाई दें भाई तो क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो इमेज दो तरह की हो सकती है भाई। पहला पॉइंट डालिएगा रियल इमेज भी। फर्स्ट पॉइंट है रियल इमेज। इमेज सिर्फ एक भ्रम है भाई, आपको लगता है मिरर में आप हो, आप तो हो ही नहीं भाई, सर एक भ्रम है आपके लिए। आप सर अकेले एग्जिस्ट करते हो यूनिवर्स में भाई, आप ऐसा कोई और नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपका DNA आपका फिंगरप्रिंट एक ही है भाई, यार ओनली वन पर्सन इंडिविजुअल वन मैन आर्मी बोलते ना, ठीक है, आप जैसा कोई और नहीं है भाई। आपका घर कलोन भी तैयार किया उसका भी क्या होगा, ये स्ट्रक्चर अलग होगा भाई फिंगरप्रिंट्स का भी, ठीक है ओके। हो सकता है आंखों का रेटिना सेम मैच कर दे, लेकिन ये भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा अभी आपका। लिखिए अभी रियल इमेज क्या होती है, लिखिए व्हेन बीम्स आर एक्चुअल मीट भी, व्हेन बीम्स आर एक्चुअल मीट, कौन सी बीम? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड बीम्स भी। आफ्टर रिफ्रैक्शन है भाई इमेज बनेगी, बिफोर नहीं बनेगी बिल्कुल भी। दो टॉर्च को मिला रहे हो लाइट को, पता नहीं क्या बन गया, कुछ नहीं बनने वाला भी वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लोगे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कर लो हो जाएगा ना भाई। तो क्या लिखवाता? व्हेन बीम्स आर एक्चुअल मीट रियल इमेज इज फॉर्म्ड भी, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ओके। आगे लिखिए इट इज इन्वर्टेड इमेज भी, इट इज इन्वर्टेड इमेज एंड फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन भी, एंड फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये कौन सी इमेज होगी? इन्वर्टेड होगी और स्क्रीन पे बनेगी भी। देने जब सुबह मिरर देखते हो जो आप इमेज दिख रहे हो वो तो रियल नहीं है, फिर तो रियल इमेज वैसा उल्टी मिलेगी आपको भी। ओके और कहां बना सकते हैं इसको? स्क्रीन पे बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज। लिखिए व्हेन रिफ्लेक्टेड बीम्स आर अपियर टू मीट, व्हेन रिफ्लेक्टेड बीम्स आर अपियर टू मीट देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड भी, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अगर बीम्स अपियर टू मीट होती हैं अभी, मिलती नहीं है मिलती हुई दिखाई देती हैं अभी, तो क्या बनती है? वर्चुअल इमेज मिलती है। लिख लीजिए इट इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज भी, इरेक्ट सीधे के लिए हो यहाँ पे भी, ERECT भी। इट इज ए इरेक्ट इमेज एंड कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन भी, कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। सीधी इमेज है स्क्रीन पे नहीं बना सकते भी, कर लोगे? यानी जो आप मिरर देखते हो सुबह
उसमें कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। कर लोगे? यस और नो? तो जो मिरर आप यूज करते हैं सुबह वाला, वो कौन सा मिरर होता है? इट इज प्लेन मिरर भी, वर्चुअल मिरर होता है। इट इज ए प्लेन मिरर भी, कौन सा होता हो? प्लेन मिरर भी। कर लोगे? यस और नो? तभी उसके बारे में बताते हैं मिरर क्या होता है। देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज मिरर भी। तो मिरर क्या होता है? देखिए अभी मिरर में क्या होता है, लिखिए, इट इज ए ग्लास प्लेट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, वन साइडेड इज कोटेड विद, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, वन साइडेड इज कोटेड विद सिल्वर लेयर भी, वन साइडेड इज कोटेड विद सिल्वर लेयर एंड डार्क पेंट। सिल्वर लेयर लगाई होती है भी, आपको पता होना चाहिए सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑल्सो भी, सिर्फ कनेक्टर नहीं है ये, बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है भी। कर लोगे? तो ग्लास प्लेट के एक साइड में क्या करते हैं? सिल्वर लेयर की कोटिंग की जाती है अभी, बहुत पतली कोटिंग होती है सिल्वर लेयर की। ये हो सकता है कि उससे लाइट आर पार निकल जाए अभी, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर डार्क पेंट लगा देते हैं पीछे भी। आपने मिरर देखे होंगे, पीछे से रेड या ब्लैक कलर का पेंट मिलता है अभी, उसे डार्क पेंट मिलता कोई और। कर लोगे? यानी मिरर की दो साइड बनती है भाई, एक तो बनती है पॉलिश्ड सरफेस भी, और एक बनता है रिफ्लेक्टेड सरफेस भी। दिस इज सिंबल ऑफ मिरर भी प्लस, यहाँ पे है ये पॉलिश सरफेस, अभी पॉलिश्ड सरफेस जिस पे पेंट किया जाता है अभी, और सामने का चमकीला भाग जो होता है अभी, इट इज रिफ्लेक्टेड सरफेस भी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और इस मिरर का नाम है प्लेन मिरर भी। कौन सा मिरर है जो आप घरों में यूज करते हो? इट इज ए प्लेन मिरर। मिरर तीन तरह के होते हैं भाई, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिरर भी, ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं हम लोग पॉलिश सरफेस को भी। हो गया? ठीक है, जो घरों में आप मिरर यूज करते हो, देखो इतना बेसिक टॉपिक नहीं आते अभी आपके, हम ज़्यादा बेसिक भी नहीं पढ़ना हम लोगों को, सिंपल जो मिरर आप घरों में यूज करते हो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है आपके अकॉर्डिंग, किस तरह की इमेज बनती है भाई? वर्चुअल, पहला पॉइंट हो गया। साइज क्या है अभी? सेम साइज की बनती है अभी, ओके, सेम डिस्टेंस पे बनती है अभी, यस और नो? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, वर्चुअल है तो। कर लोगे? देखिए भाई, इन्वर्टेड भी दो तरह के होते हैं ऑप्टिक्स के हिसाब से भी, इन्वर्टेड दो तरह के होते हैं, उल्टे भी। एक तो उल्टा ये है भाई, यस और नो? एक उल्टा ये भी है भाई। कर लोगे? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड भी, ये सिंपली इन्वर्टेड है भाई। ये इमेज बनती है पानी में भी, आपने देखा हो तो, ओके, सिंपल इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनती है? पानी के अंदर में। और ये बनती है मिरर के अंदर, लेटरली इन्वर्टेड, आपका लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट उसका आपका लाइट, छोड़ो। लेकिन अभी टाइप्स ऑफ मिरर भी, या टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसका पहला टाइप है क्लास कॉनकेव मिरर भी। कॉनकेव मिरर क्या होता है? देखिए कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं अभी, आप लोगों ने चम्मच देखी है? कड़ची देखी हो? ये वाला सेक्शन जो अंदर तरफ, उसको कॉनकेव पार्ट बोलते हैं इसको, और जो बार वाला है इसको कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं। आपको एक ग्लास सीट मिलेगी इस शेप की भी, स्पेरिकल की, या बोल सकते हैं कि ग्लास बॉल अभी मेरे पास, उसको कट कर लिया गया, तो एक शेप हमारे पास होगी भी। इमेजिन कर रहे हैं हमारे पास एक ग्लास बॉल अभी, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल, ओके, और ये बॉल ये है अभी आपकी, और इसको यहाँ से कट कर दिया गया। दोस्तों अरेंजमेंट आएगा मेरे हाथ की तरह आएगा, ऐसे करोड फॉर्म में अरेंजमेंट आएगा, ठीक है भाई। अब इसको क्या करना है आपको? मिरर बनने का तरीका क्या था?
इसके दो सरफेस हैं विकलास, एक ये वाला एक ये वाला। अगर आप बाहर के सरफेस के ऊपर पॉलिश और सिल्वर लेयर की पॉलिश करते हो पेंट की, तो ये बन जाता है पॉलिश सरफेस भी, पॉलिश्ड सरफेस। और इस तरफ वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस भी, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस ना का नाम है कॉनकेव मिरर। इस तरह का अरेंजमेंट है। इस तरफ क्या करोगे, सिल्वर लेयर और पॉलिश कर दोगे, तो यहां से दिखेगा आपको सर, कर लोगे भाई। इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। लिखिए लिखिए, वी पॉलिश्ड स्फेरिकल मिरर जितने भी हैं पार्ट ऑफ ए स्फीयर मान सकते हैं आप लोग भी। ओके लिखिए, पॉलिश क्या लिखा था मैंने, वी पॉलिश द आउटर सरफेस, वी पॉलिश द आउटर सरफेस विद सिल्वर लेयर, विद सिल्वर लेयर एंड डार्क पेंट, विद सिल्वर लेयर एंड ए डार्क पेंट। ठीक है, कर लोगे। ये भी बोल सकते हो जो कॉनकेव मिरर है, इट इज अ कटिंग पोर्शन ऑफ ए ग्लास स्फीयर, कटिंग पोर्शन ऑफ ए ग्लास स्फीयर, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर ले सकते हो। सिंपल लिख लीजिए, ए स्फेरिकल मिरर, सो दोनों आ जाएंगे इसमें, ए स्फेरिकल मिरर इज ए कटिंग पोर्शन ऑफ, इसमें लिख दो ए स्फेरिकल मिरर वे, ये जो किसके क्या बोलते हैं इनको, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ए स्फेरिकल मिरर इज ए कटिंग पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर। ओके, इसके दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस है एक इनर सरफेस। अगर आउटर सरफेस पे पॉलिश करते हैं तो कौन क्यों बन जाएगा, अगर इनर पे करते हैं, सेकंड कौन सा भाई, डायग्राम तो बना नहीं है, बनाया नहीं है डायग्राम, कितने हो लिए, चार हो लिए, चार हो लिए भाई, नहीं में ऐसे शुरू होंगे और 180 160 अराउंड पहुंचेंगे भी। ठीक है, हो गया, इतना क्या बनाना है इसमें भाई, जल्दी बनाओ। लिखिए कॉन्वेक्स मिरर भी, लिखिए वी पॉलिश्ड सिल्वर लेयर, वी पॉलिश्ड सिल्वर लेयर एंड डार्क पेंट, वी पॉलिश्ड सिल्वर लेयर एंड डार्क पेंट ऑन इनर साइड ऑफ द कटिंग पोर्शन, ऑन इनर साइड या इनर सरफेस ले सकते हो, सिंपल भी ऑन इनर सरफेस भी, वी पॉलिश सिल्वर लेयर एंड डार्क पेंट ऑन इनर सरफेस। ओके, यहां पे पॉलिश करना भी आपको, ये स्थान आपके पास कटिंग पोर्शन, यहां पे भी सिल्वर लेयर का और डार्क पेंट का भी, ये कौन सा बन जाएगा, पॉलिश सरफेस, और ये बन जाएगा रिफ्लेक्टेड सरफेस भी, रिफ्लेक्टेड सरफेस, पॉलिश सरफेस एंड ए रिफ्लेक्टेड सरफेस भी। तीन मिरर है एक्चुअल में, प्लेन कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी। ठीक है, अगर आप नई चम्मच निकालो ना घर में, उसमें मुंह देखना भी, दो तरीके से देखिएगा आपको, यहां से देखिएगा और यहां से देखिएगा, फर्क आएगा इमेज से, और फर्क मेरे को कर दो ना आपको इमेज क्या फर्क आएगा। ठीक है, ये जो यहां से देख रहे हो ना, तुम मत में मुंह देख रहे हो कॉनकेव है भी, और इस तरह देख रहे हो तो कॉन्वेक्स है, सही है, यस और नो। तो ये था भी आपके मिरर के बारे में, रब कर दें इसको, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स।
देखो भाई, कोई भी स्फेरिकल मिरर है वो कैसे बना हुआ, देखो ये है स्फेरिकल मिरर आपका। कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव। कौन सा ये? कॉनकेव। ये कॉनकेव स्फीयर किसका पार्ट था? इज अ कटिंग पोर्शन ऑफ कोई भी मिरर, कोई भी प्लेन सरफेस इज आल्सो पार्ट ऑफ ए स्फीयर। पता है आपको किसी बात का? ये दीवार भी किसी स्फीयर का पार्ट है ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। यस और नो? जितने छोटे टुकड़े करोगे उतने शेड क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी प्लेन सरफेस इसका पार्ट हो सकता है, ये पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। समझ में आया कि नहीं आया? एक बड़ा स्फीयर से छोटा भाग काटिएगा, क्या दिखाई देगा आपको? शेड दिखाई देगा। वो कर पाओगे? तो ये किसका पार्ट है? जो कटिंग पोर्शन ऑफ ए ग्लास स्फीयर भी। अब ये मिरर है अभी इतना, बाकी तुमने मान रखा है कि ऐसा हुआ होगा कहीं ना कहीं। बहुत लोग करो जो पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऐसा बोल सकते हैं। इसका पहला पॉइंट डालिए अभी क्लास, पहला पॉइंट डेफिनेशन का पहला टर्म है जो है वो है पोल क्या होता है। इसको पी सिंबल से लिखते हैं, पोल। पोल क्या होता है? ये मिरर का मिड पॉइंट होता है। देख लीजिए, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। डायग्राम आपको नहीं बनाना अभी, ओके? जो मुकुंद बनाना है आपको। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो इस मिरर का ये वाला मिड पॉइंट यहां पे मिलेगा, इट इज पी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, सेकेंड पॉइंट भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिक्स में दो वर्ड बार बार यूज होंगे भी, कर्वेचर और अपर्चर भी। कर्वेचर और अपर्चर दोनों ही साइज के लिए होते हैं, साइज ऑफ मिरर या लेंस भी। लेंस के लिए मोस्टली हम अपर्चर यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कर्वेचर और अपर्चर दोनों वर्ड किसके लिए आते हैं? साइज के लिए भी। और पूरी ऑप्टिक्स में एक मिथ लेके चलते हैं हम लोग हमेशा कि वी हैव ए स्मॉल मिरर्स भी, छोटे में काम करना आसानी होती है हमको। सारे डिवाइस हमारे क्या होते हैं? छोटे छोटे लेंगे हम लोग डिवाइसेस को, कर लोगे, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हम लेके तो ये चल रहे होते हैं हमेशा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है अभी क्लास? देखिए आपको पता है कि मिरर किसका पार्ट है? किसी स्फीयर का पार्ट, उसका सेंटर भी होगा भाई। उस सेंटर को क्या बोलते हैं? इसको सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से भी। उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। देख लीजिए, सिंपल है, सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। समझ में आया? ये आपको बताने के लिए कि चीज़ें बार बार आएंगी भी डायग्राम में भी। सही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट भी थर्ड पॉइंट डालिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस भी। पी ए एल और पी एल ई भी, पी एल ई नहीं पी ए एल भी, हेड स्कूल वाला प्रिंसिपल है ये, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं है। समझ में आया? स्कूल में प्रिंसिपल को हेड बोलते हैं, तो हेड एक्सिस कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस भी। जो लाइन सी से और पी से पास करती होगी वो लाइन को क्या नाम दिया जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लीजिए, द इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सी एंड पी, लिख दूं डायरेक्ट, पासिंग थ्रू सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ओके? तो लाइन को क्या बोला जाएगा? दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और भी बहुत कुछ है ये पे, डायग्राम बना के तीन पॉइंट लिखिएगा, डायग्राम बना लो जल्दी से। फोर्थ पॉइंट है ना,
यस भी नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस भी एफ से लिखते हैं इसको। देखिए क्या चीज होती है अभी लिखो एक बार लिखवाते हैं उसके बाद कराएंगे डायग्राम। लिखिए व्हेन बीम्स आर स्ट्राइक ऑन द मिरर भी व्हेन बीम्स आर स्ट्राइक ऑन द मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट और अपियर टू मीट दे मीट और अपियर टू मीट एट ए सिंगल पॉइंट दे मीट और दे अपियर टू मीट एट द सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सिंगल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस वे दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके यहां पे दो वर्ड यूज हुए हैं मीट और अपियर टू मीट भी। अगर बीम से मिले या मिलती हुई दिखाई दे आफ्टर रिफ्लेक्शन से एक पॉइंट के ऊपर उस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है प्रिंसिपल फोकस भी। कैसे होगा देखो भाई ये मिरर अभी हमारा कौन सा मिरर यूज कर रहा हूँ कौन के हो ये पोल होगा यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस यस और नो। बीम्स आ रही हैं अभी मिलाने के लिए कम से कम दो बीम तो चाहिए मेरे को बीम्स आ रही हैं अभी रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्शन हो के बीम्स यहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी आपको। ओके अभी आपको डायग्राम से लग रहा होगा कि बीम्स ऐसे क्यों होंगे भी इस मिरर का नाम है कन्वर्जिंग मिरर भी। क्या नाम है इसका कन्वर्जिंग मिरर ये बीम्स को सिक्योर देता है अभी लिख सकते हो साइड में कन्वर्जिंग मिरर कन्वेक्स का कॉनकेव का एक नाम और भी है अभी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं कर लोगे। तो इस पॉइंट को नाम दिया गया प्रिंसिपल फोकस भी हो जाएगा। एक और है डायग्राम क्योंकि एक मिरर और भी मेरे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है भाई क्लास यस आर नो ये क्या होगा पोल मिड पॉइंट यस आर नो यहाँ पे क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हाँ भरे जाओ इस तरफ है ये ना हाँ भरना रहे हैं कुछ लोग सेंटर उस तरफ होगा भाई यस आर नो। बीम्स आ रही हैं स्ट्राइक कहाँ पे करेंगे मुझसे ऑन द शाइनिंग सरफेस भाई ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भाग गई दूर ये कभी नहीं मिलेंगी भी आगे कर लोगे इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर भी प्रॉपर्टी ऐसी है कि फैला देगा बीम्स को भी लेकिन अगर आप इनको पीछे मिलाने की कोशिश करें हम लोग दे अपियर टू मीट एट दिस पॉइंट भी ऐसा लगता है कि इस पे मिल रही हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस भी लिखवाया गया है मीट और अपियर टू मीट ऑन द सिंगल पॉइंट्स पे। ओके एक्चुअल मिल नहीं रही आपको ये लगेगा कि इस बीम्स यहां से आ रही हैं अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है। तो किस मिरर के अंदर फोकस रियल है किस में वर्चुअल है अभी रियल इमेज क्या होती है रियल चीजें क्या होती हैं जो एक्चुअल में मीट करती हैं अभी वो क्या है सारी रियल्स हैं अभी इसमें रियल फोकस अभी ओके इसमें फोकस कौन सा है वर्चुअल फोकस अभी ओके और एक चीज और भी है तो एक बार लिख देते हैं ये डायग्राम बना लो जल्दी से एक बार लिएगा अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ एक्चुअल नोटेशन यही है इनकी भी पूरी ऑप्टिक्स की नोटेशन से चलेगा पूरा ऑप्टिक्स भी कर लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से लिखा जाता है देखो कुछ नहीं है अभी सफीर का रेडियस जो होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी The distance between P and C is called radius of curvature.
द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर को आरसी लिख दिया. सिक्स पॉइंट डाली है अभी. सिक्स पॉइंट है फोकल लेंथ भी. सिक्स पॉइंट है फोकल लेंथ. इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं. फोकल लेंथ फोकस और पी पॉइंट का डिस्टेंस भी कर लोगे. तो लिखिए इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन. इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ भी. कैपिटल एफ पी एंड एफ फोकस कर लोगे. एक रिलेशन है फोकल लेंथ में प्रूव भी करेंगे आगे चल के इसको. ये रेडियस का हाफ होता है. फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू.